पैर कट गया मेरा भाई। मैं सही करा था ना इसे। भैया 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 क्या हो गया? Hey guys, good morning. Welcome back again to one more fresh episode, one more fresh vlog. जैसा कि पिछला वाला वीडियो में आपने देखा होगा एंडिंग पार्ट में कि मैं था की मॉनेस्ट्री के पास, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक थोड़ा सा अपडेट देना चाहता हूँ। मैं हूँ इस वक्त काजा शहर। तो शाम को की मॉनेस्ट्री घूमने के बाद, फोटोग्राफी वगैरह करने के बाद, जो होटल था उसमें थोड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी, तो हम सभी ने डिसाइड किया कि क्यों ना वापस से काजा चलता, क्योंकि 12 किलोमीटर का ही बात था। तो वापस से 12 किलोमीटर कवर करके हम आगे काजा, और यहाँ पे हमने होटल ले लिया था। अभी सुबह सुबह हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमारी बाइक लोडेड है, धीरज भाई की बाइक पीछे लोड हो रही है। इस वक्त मैं हूँ की में, और सामने जो आपको वो मॉनेस्ट्री नज़र आ रहा है उसको आपने कल वाली वीडियोज़ में भी देखा होगा, तो वो है की मॉनेस्ट्री। और आज मौसम की बात की जाए तो मौसम थोड़ा ओवरकास्ट टाइप का लग रहा है, इधर काले काले बादल है, सामने काले बादल नहीं है, और काजा में हल्की हल्की बारिश हो रही है। और की मॉनेस्ट्री बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। कल शाम को मैं गया था मॉनेस्ट्री के अंदर, मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी, मैंने अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स भी लिए, और अभी एक बार फिर से आपके सामने फ्रेश फ्रेश नज़ारे पेश है की मॉनेस्ट्री के। ये द मोस्ट आइकॉनिक थिंग है पूरे स्पीति के अंदर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रनिंग मॉनेस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, की मॉनेस्ट्री। इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ये जो सामने आप खाई देख रहे हो, और खाई के ऊपर ये एक बड़ा सा ब्रिज देख रहे हो, ये ब्रिज जो है ये एशियाज हाइएस्ट ब्रिज है। ये देख लो कितने मोटे मोटे तारों से ये ब्रिज बंधा हुआ है, और विदाउट एनी पिलर्स ये ब्रिज खड़ा है यार। ये जो आप खाई देख रहे हो ना, बस बस इतना ही ऊंचा है ये चीचम ब्रिज। इधर भी काफी ज्यादा गहरा खाई है यार। तो हम मेरे बकेट लिस्ट में एक और चीज जो है वो टिक हो गया, चीचम ब्रिज। बारिश शुरू हो गई है, तो कैमरे को अंदर रखते हैं और मिलते हैं आपसे पता नहीं कब। इधर बहुत ज़्यादा काला बादल है, उधर आसमान जो है वो क्लियर है, और यहाँ से जो वैली का नज़ारा है भाई वो तो देखने ही बनता है। स्पीति रिवर और ऊंचे ऊंचे पहाड़। भाई भाई कैमरा मेरा बैग में रख ले, समझा? रेनकोट पहने लाइक बारिश नहीं है, लेकिन गोप्रो खराब होने लाइक बारिश है। ये सामने जो आपको शहर दिख रहा है और सामने जो पहाड़ दिख रहा है, ये है लोसर। हम पहुंच चुके हैं लोसर। पीछे पहाड़ों पे बहुत जोर बारिश हो रही थी, तो वहाँ पे मैंने ब्लॉगिंग वगैरह नहीं किया, लेकिन जैसे ही हम लोसर पहुँचे मौसम जो है वो क्लियर हो चुका है, और सामने जो पहाड़ है, इधर जो पहाड़ है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। लोसर कुछ खाने के लिए रुकते हैं यार, काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी है। हम पहुंच चुके हैं लोसर। लोसर एक ऐसा शहर है जो कि काजा से निकलने के बाद आपको यहीं पे दुकानें वगैरह मिलेगी, होस्टेज वगैरह मिलेंगे, और पॉपुलेशन नज़र आएगा और इंसान नज़र आएगा, क्योंकि अभी तक जब से हम काजा से निकले तब से हमें एक भी एक्स्ट्रा आदमी नज़र नहीं आया, बस हम दोनों थे और कुछ बाइकर्स नज़र आए। तो फिलहाल अभी हम रुके हैं लोसर में, क्यों? क्योंकि हमें खाना है, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। यहाँ से जो नज़ारे वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इधर विलेज है, तो ये सामने देख रहे हो ये है लोसर विलेज, और यहाँ पे खेती होती है। खेती किस चीज़ की? यहाँ पे होती है मटर की खेती। ये सब देख सकते हो, ये मटर के घास है, मटर निकालने के बाद घास को गाय के लिए लाया जा रहा है। यहाँ पे खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद हम चढ़ाई शुरू करेंगे। कहाँ के लिए सत्यम? कुंजुम पास। तो आज का हमारा जो स्टे प्लान है वो है चंद्रताल लेक। तो लोसर में हम लोग खा रहे हैं थाली, चावल, दाल वगैरह, और यहाँ से जो असली ऑफ रोड है, असली राइड है, वो स्टार्ट होने वाली है। यहाँ से जो बाटाल का रास्ता है, जो कुंजुम पास का रास्ता है, जो चंद्रताल लेक का रास्ता है, वो स्टार्ट होने वाला है। और बाहर भैया लोग बैठे, वो लोग बता रहे हैं कि चंद्रताल लेक वाले रास्ते में 32 वाटर क्रॉसिंग है। तो ये वाला जो सर्किट है लोसर से लेकर के ग्रामपुर तक का, ये तो पूरा चौपट रास्ता है, पूरा का पूरा चौपट। तो बस थोड़ी देर में आपको जो रियल एडवेंचर, रियल फन है, वो देखने को मिलेगा। हमें नहीं पता हम कितना बार गिरने वाले हैं, कितना बार उठने वाले हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि जैसे लद्दाख सक्सेसफुली हुआ वैसे स्पीति करके आएंगे। हमारी एंट्री हुई कुंजुम पास के लिए और चंद्रताल लेक के लिए। यहाँ से जो खतरनाक वाला रास्ता है वो अब स्टार्ट होने वाला है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर के बाद बहुत ही भयानक वाला रास्ता शुरू होने वाला है। तो हमारे साथ कुछ राइडर्स हैं। ये सामने जो पहाड़ देख रहे हो पत्थर वाले, इस पर चढ़ाई करनी है।
मतलब कि बैंड बजने वाली है। तो भाई साहब हम आए ही थे ऑफ रोडिंग करने के लिए, हम आए ही थे कि लद्दाख में जो हमें मज़ा नहीं आया वो मज़ा शायद यहाँ आ जाए, तो वैसे रास्ते जो है शुरू हो गए। बहुत ही टफ चढ़ाई है ऑफ रोड वाली चढ़ाई, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने ऊपर, नहीं तो फिर हिक्की वाला हाल हो जाएगा। जैसे मैं हिक्की में गिरा था, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, बस गिरना नहीं है और अच्छे से चले जाना है। और बाइक का भी ध्यान रखना क्योंकि ये मोहित की डोमिनार है, तो उसका भी ध्यान रखना अच्छे से। मोहित टेंशन ना ले भाई, तेरी बाइक का अच्छे से मैं ध्यान रख रहा हूँ, प्रॉपर टाइम पे इसको खाना खिला दे रहा हूँ, चेन वगैरह मैं इसका ल्यूब कर दे रहा हूँ अच्छे से, टेंशन ना ले भाई। सामने बर्फ से ढकी हुई पहाड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पास आ गई है, और अभी तक स्पीति पूरे राइड में हमें बर्फ देखने को तो मिला लेकिन काफ़ी दूर से, लेकिन यहाँ पे हमें काफ़ी नज़दीक से बर्फ देखने को मिल रहा है। पहुँच गए कुंजुम पास। ओह, और ये जो मैं बोल रहा था ना, कुंजुम माता कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो यहाँ पे एक मंदिर है, तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर और माता का दर्शन करते हैं। यार पहुंच गया कुंजुम पास। भैया क्या हो गया? भैया 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 क्या हो गया? भैया उठ जाओ, भैया उठ जाओ। भाई साहब क्या मजा आ रहा। जो आप देख रहे थे सारे प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए यहाँ पे, ये है कुंजुम माता का मंदिर और पूरे स्पीति सर्किट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पास है। तो लेके चलते हैं आपको मंदिर के अंदर और दिखाते हैं, फील कराते हैं प्रेयर फ्लैग्स, क्योंकि बहुत जोरों की हवा चल रही है और इतना जोरों का हवा चल रहा है कि पूछो मत, बिल्कुल पताका है जब वो लहलहा रहा है। और यहाँ पे भैया जी गड्ढा तो है, ये देख लो BMW वाले को, सही है। अब डोमिनार की बारी, जूते में तो पानी जाएगा इतना फिक्स है, लेकिन गिरना नहीं है ये पहला मोटिव है। पानी नहीं गया। एक वाटर क्रॉसिंग क्रॉस हो गई और पीछे कुछ राइडर्स मिले थे, उन्होंने बताया कि आगे जो वाटर क्रॉसिंग आ रहा है वो नेक्स्ट लेवल का है, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। तो बस उसी वाटर क्रॉसिंग की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है वो वाटर क्रॉसिंग, कितना तेज़ रफ्तार है उस वाटर क्रॉसिंग में और मैं उसको कैसे क्रॉस करता हूँ। तो भाई लोग मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है यार, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और ऐसे ऐसे नज़ारे जो है और बहुत सारा न्यू कॉन्सेप्ट जो है इस चैनल पे आते रहेंगे, फुल पैकेज आपको मिलेगा सब्सक्राइब करने के बाद विदाउट एनी फी। बस सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस देखते रहो और वीडियो को लाइक कर दो यार। चंद्रताल से जस्ट पहले एक और मेजर वाला वाटर क्रॉसिंग, तो देखते हैं, अनुमान लगाते हैं ये पार होगा या नहीं सत्यम को बैठा करके। मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा, ये इजी वाला है, पानी बस इसमें बहुत ज़्यादा है। भैया निकालो, हाँ हाँ मेरा भी रिकॉर्ड कर लेना आगे से। जय माता दी, हर हर महादेव। अरे 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 भाई उतर जाओ। अरे 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 आराम से भैया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे भाई अरे भाई अरे भाई साहब, गड्ढा है वहां पे, गहरा है वो, पूरे जूते में पानी चला गया भाई।
सत्यम, सत्यम बैठना चाहोगे? निकल जाना यार, बस गिरना मत, गिरना मत अभिनव। अरे भाई साहब, बहुत ठंडा पानी है यार, पूरा बाइक फंस गया है। आ, 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 पैर में बहुत ठंडा पानी है भैया। तो पानी बहुत ही ठंडा था, जूतों में चला गया और जूते साफ करना पड़ेगा अभी। और ये आप देख सकते हैं अभी व्लॉग्स को रेस्क्यू ऑपरेशन उनकी पन्नी की कैसा लग रहा है सर आपको? पैर कट गया मेरा भाई। अरे रुक जा। गम्बूट लाने थे यार। ये वाला वाटर क्रॉसिंग बहुत ज्यादा टफ था। टफ इसलिए था क्योंकि पानी बहुत ज्यादा था और जो रॉक्स थे वो काफी ज्यादा लूज थे, जिसके कारण से डोमिनार नाच रही थी भाई, उसके पीछे का चक्कर लहरिया ऐसे ऐसे। कैसे कैसे भैया? और जूते में पानी जमा गया तो मैंने सॉक्स खोल दिया, दूसरे सॉक्स में डाल दिया मोटे वाले। ये बताओ मैंने सही करा था ना इसे? सही करा था कि नहीं करा? लग गई भाई, पैर का हाल देख लो, पैर पूरा लाल हो गया है। वो इसी के बारे में बोल रहा है, बहुत ज्यादा लाल हो गया पैर। और इतना गंदा वाला ऑफ रोडिंग था कि मेरे चप्पल भी कहाँ गिर गया मुझे पता नहीं। फाइनली जा कर के ये वाला जो वाटर क्रॉसिंग पार हो गया। कल क्या करें, कल सवेरे सवेरे निकलेंगे, क्योंकि सवेरे से अगर हम निकलेंगे तो फिर हमें वाटर क्रॉसिंग जो है बहुत कम मिलने वाला है। कार फंस गई, फंस गई कार। भाई साहब इसके आगे बाइक अलाउड नहीं है क्या? है एंट्री कर लीजिए, 6 बजे से पहले वापस आना पड़ेगा। सामान या तो रखना होगा या तो लेके जाना होगा। कैंप में रख दे, 2 किलोमीटर तक सामान लेके जाना पड़ेगा, वहां से 1 किलोमीटर चढ़ाई है। बैग वैग कहाँ छोड़ेंगे, ये लैपटॉप बैग। गाइस फाइनली हम पहुंच गए बेस कैंप चंद्रताल लेक का। हम के करीब 5 बज रहे, अगर हम लोग चंद्रताल लेक के लिए चढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो 2 किलोमीटर का चढ़ाई है। 2 किलोमीटर चढ़ने के बाद 1 किलोमीटर पैदल चलना होता, और इतना सारा लगेज छोड़ करके लैपटॉप बैग टांग करके और ये 2-2 किलो का राइडिंग पैंट और राइडिंग जैकेट पहन करके ना हालत ख़राब हो जाती। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना टेंट ले लेते हैं, जो यहाँ पे ऑप्शंस है सोने के रहने के, ये सारे टेंट लगे हुए। तो हमारा ये वाला टेंट है, तो हमने सोचा क्यों ना टेंट ले लेते हैं, और टेंट लेने के बाद आज शाम आज रात चंद्रताल लेक के बेस कैंप में बिताया जाए। और बिताने के बाद सुबह सुबह 7 बजे ये गेट खुलेगा, और 7 बजे जैसे ही गेट खुलेगा वैसे ही हम चंद्रताल लेक की ओर चल जाएंगे। और जाने के बाद चंद्रताल लेक देख करके वापस आ करके फिर सारा सामान बाइक पर लोड करके बाताल की ओर निकल जाएंगे। तो हमने जो टेंट लिया वो 1000 रुपीज़ का टेंट है, एक टेंट का दाम 1000 रुपीज़, तो काफ़ी अच्छा डील हमें मिल गया, उसमें 3 जन आराम से सो सकते हैं। तो मैं चलो एक बार आपको टेंट दिखा दूँ। तो ये टेंट में हम सोने वाले हैं, ये टेंट में एक पहला लेयर है जिसमें आपको यहाँ पे बहुत सारा स्पेस मिल जाएगा, फिर उसके बाद एक और लेयर है, फिर एक मच्छरदानी का लेयर, और अंदर में देख लो ऊपर एक एमरजेंसी लाइट लगा हुआ है, और 3 बेड लगे हुए, 1, 2 और 3, और 3 तकिए भी लगे हुए हैं। और इसका 1000 रुपीज़ हमें पड़ रहा है इस पूरे टेंट का। चंद्रताल लेक में टेम्परेचर जो है रात को अराउंड -15 से -20 तक जाता है, तो अपना कैंप लगाना तो पॉसिबल है लेकिन ठंड से हालत ख़राब हो जाएगी। और वैसे भी बहुत ज़्यादा हम थके हुए हैं, जब यहाँ पे ऑप्शंस है अवेलेबल 1000 में, जब 3 बंदे हम लोग आराम से रह सकते हैं, तो क्यों ना आज इस टेंट का मज़ा उठाया जाए। और ये रहा बाथरूम का सीन, तो यहाँ पे बाथरूम का सीन कुछ ऐसा है, ये एक टेंट है, इसी के अंदर आपको हल्का होना पड़ेगा, पानी वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये है उस बाथरूम का गेट, ये देख लो,
बस अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट करके बताना, और रात का जो प्लानिंग बनता है, जो सीन बनता है, वो आपको अगले वीडियो में मालूम चल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपने, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव। और चंद्रताल के बेस कैंप से आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर सा नज़ारा।